यार ये मीडिया वाले ऐसी ऐसी हेडलाइन दे देते हैं कि ना चाहते हुए भी इनकी न्यूज को देखना पड़ता है। अब सोचिए इस तरह की हेडलाइन से आप क्या समझोगे कि कैटरीना कैफ की शादी में पहुंचकर सलमान खान ने किया जबरदस्त हंगामा, बहुत मनाने के बाद सलमान खान माने। अब आप सोचोगे कि वाकई शादी में सलमान खान पहुंचे होंगे और वहां पर जबरदस्त हंगामा किया होगा, हो सकता है कि शराब पीकर वहां पर तोड़फोड़ करने लगे हों, बारातियों को पीटने लगे हों। हमें भी अच्छा लगा कि यार चलो इस तरह की कोई वीडियो आएगी और देखने में मजा आएगा। जैसे भी कुछ दिन पहले एक वीडियो आया था उत्तर प्रदेश का, वहां पर दूल्हा और दुल्हन वरमाला के लिए खड़े ही थे कि इसी बीच लड़की का जो घायल प्रेमी है वो सिंदूर लेकर आता है और दुल्हन की मांग में भर देता है और काफी बवाल होता है। हालांकि शादी उसी लड़के से होती है जो मंडप में खड़ा रहता है, लेकिन उस न्यूज में क्या बोला जा रहा है, अरे भाई सलमान खान वाले न्यूज में, कि सलमान खान की फैमिली को कैटरीना कैफ ने बुलाया शादी में, लेकिन सलमान खान की पूरी फैमिली ने बीमारी का बहाना देकर शादी को बॉयकॉट कर दिया है। बॉयकॉट मतलब शादी में नहीं जाना है, अलग चीज है, शादी को बॉयकॉट कर दिया है और सलमान बहाना देकर दुबई चले गए कि उनका दबंग टूर है। और यहाँ पहले ये बातें आ रही थी कि सलमान की बहन बोल रही थी कि कैटरीना की तरफ से तो उन्हें शादी का इनविटेशन ही नहीं दिया गया है। बड़ी बात यह है कि जिस विकी कौशल की शादी कैटरीना कैफ से हो रही है उस इंसान के तो चर्चे ही नहीं हो रहे हैं, जिसकी नहीं हो रही है उसके चर्चे हो रहे हैं। तो सलमान खान की फैमिली का ये कहना है कि हमने कैटरीना को इतना साथ दिया, फिल्म इंडस्ट्री में इतना नाम दिया, उसे बढ़ाया, सब कुछ दिया और हम उसे अपने घर की बहू बनाना चाहते थे, लेकिन कैटरीना किसी और से शादी कर रही, हमारा बेटा तो 57 साल की उम्र में फिर से कुंवारा रह गया, घोड़ी चढ़ते चढ़ते रह गया हमारा घोड़ा। तो भाई इस तरह की खबरें सुनकर तो धक्का लगता है, थोड़ी अच्छी खबरें दिया करो, और ऐसी खबरें देते हो तो इसे रियलिटी में बदलो यार। हमें भी वीडियो देखने में थोड़ा मजा आएगा कि सलमान खान कैटरीना की शादी में पहुंचकर तोड़फोड़ करे, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा।